इस डिजिटलाइजेशन के जमाने में हमें हर चीज डिजिटल चाहिए, तो डीप कूल क्यों पीछे रहे। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त हार्ली और आज मैं लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू वीडियो। सो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। टडा, कैबिनेट तो रह गई। सो पेश खिदमत है डीप कूल CH360 डिजिटल। वेरी बिग फैन ऑफ डीप कूल क्योंकि ये हर बार कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आते हैं और इस बार इन्होंने लॉन्च किया है CH360 डिजिटल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि मैं छोटी से छोटी डिटेल आपको बता सकूं, फिर बाद में मत कहना कमेंट में दीदी प्राइस बता दो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज यूजुअल बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत सॉलिड है और इसका जो फ्रंट में मैश डिज़ाइन दिया गया है इसकी वजह से आपका सीपीयू का एयर फ्लो काफ़ी डीप कूल हो जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं इसकी की फीचर्स की। इट कम्स विद 2 PWM enabled 140mm ARGB fan for stunning visual look and back पे जो fan इसके साथ आएगा वो है 120mm का। Also it comes with hybrid side panel. It offers versatility with a combination of tempered glass and panels. बहुत heavy line लिख दी। मदरबोर्ड सपोर्ट की बात करें तो ये एक M80X सपोर्टर कैबिनेट है, तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप इस कैबिनेट को कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फीचर की जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है और वो है इसका इंटीग्रेटेड डिजिटल स्क्रीन जहाँ पर आप अपने CPU एंड GPU का रियल टाइम यूसेज एंड टेम्परेचर को मॉनिटर कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की तरफ। सो इसमें हम दो फैंस टॉप पर लगा सकते हैं 120mm के, इट्स टोटली ऑप्शनल। एंड रेडिएटर की बात करें तो हम फ्रंट पे माउंट कर सकते हैं अप टू 280mm का एंड टॉप पर माउंट कर सकते हैं अप टू 240mm का रेडिएटर। एंड केबल मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी इनफ स्पेस है, बट ऑर्गेनाइजर अच्छा होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड भी इसमें हम 320mm तक का कोई भी ग्राफिक कार्ड, मतलब जैसे RTX 4080 जैसा कोई भी कार्ड आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस कैबिनेट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी गई है जो कि है ये एक एंटी सैग ब्रैकेट दिया गया है जो कि आपके GPU के वेट को सपोर्ट करेगा। IO पैनल इसका टॉप पे मिल जाएगा जहाँ पे आपको मिल जाता है पावर बटन, USB पोर्ट्स अलॉन्ग विद द टाइप सी एंड LED कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी फैंस की LED को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ये पहला ऐसा कैबिनेट है जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच गया है। सो अब हम बात करने वाले हैं मेन मुद्दे की कि आपकी जेब कितनी खाली होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त 6.5 से 7 हज़ार तक के पैसे आपको पेटीएम कर दे तो आप ये बाय कर सकते हो। हम पे तो आई नो। सो ये कैबिनेट आ जाता है 6.5 से 7 हज़ार की रेंज में आ जाता है, तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट पावरफुल क्यूट सा PC बिल्ड करना चाहते हैं तो आप इस कैबिनेट को कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार दिखाते रहें और मैं अपने ही अंदाज में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।